पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम 40 के 34वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। अभ्यास की श्रृंखला में आज हम अरहम ध्यान योग के पहले चरण को करेंगे। इसे पंच मुद्रा या पंच नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। इसमें हम पंच परमेष्टी को सरल मुद्राओं के माध्यम से स्मरण करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। इन मुद्राओं के प्रभाव से हमारा तन और मन स्वस्थ होता है और चेतन निर्मल होता है। पंच मुद्राओं के माध्यम से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर ग्लोबल पीस अपने को ये पांच मुद्राएं जरूर करना है, और इन पांच मुद्राओं के माध्यम से जो हमारे पांच शरीर के मुख्य केंद्र हैं, वह जब एक्टिवेट होते हैं तो शरीर में ऊर्जा का एक अद्भुत संचार होता है। इन पांच मुद्राओं को पीस के माध्यम से भी डिफाइन किया जाता है, और इन्हें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के माध्यम से भी हम डिफाइन करते हैं। अंतर कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि यह अरहंत सिद्ध आचार्य ये शब्द जैन धर्म के हैं, इसलिए यह जैनों का योग है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अरहंत सिद्ध आदि ये सब ऐसे नाम हैं जो किसी ना किसी क्वालिटेटिव पर्सन की ओर हमें इंडिकेट करते हैं। अरिहंत का मतलब होता है जिन्होंने अपने अंतरंग के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। अरि माने होता है शत्रु, हंत माने हनन करने वाला। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ब्रह्मा नाम हो, विष्णु नाम हो, महेश्वर नाम हो, कोई भी नाम हो। अरिहंत का मतलब है जिसने अपने अंतरंग के शत्रुओं को जीत लिया, अपने कसायों पर, अपने क्रोध पर, अपने काम पर, अपनी ईर्ष्या पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। तो एक थिंकिंग हमारे अंदर ये आनी चाहिए कि ये हम किसी भगवान की तरफ नहीं कह रहे हैं। अरिहंत का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इस प्रकार के दोष नहीं होते, इस प्रकार के कोई भी विकार मानसिक नहीं होते जिन्हें हम भी छोड़ना चाहते हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्मा, इसका मतलब होता है जिन्होंने अपनी हर तरीके से अपनी सिद्धि कर ली है, अब उन्हें कुछ भी सिद्ध करने को बचा नहीं है। जो कंप्लीट सोल जिसे हम कहते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं, मतलब जो बिल्कुल प्योरीफाइड सोल हो गए, जिनके अंदर अब कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन मैटर नहीं है, और वो किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते, उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। तो सिद्ध का मतलब कोई ऐसा नहीं समझना कि किसी भगवान की तरफ हम ले जा रहे हैं। सिद्ध माने वह प्योर सोल्स जो कहीं पर भी हों, वो हमारे लिए शक्ति दें, हम उनकी बस केवल भावना करें। आचार्य, ये तो बड़ा कॉमन नाम है, जो हमें अध्यात्म की दीक्षा दें, जो हमारे लिए अध्यात्म का आचरण कराएं, वो हमारे लिए आचार्य होते हैं। उपाध्याय, जो हमें इस अध्यात्म का ज्ञान दें, वो हमारे लिए उपाध्याय होते हैं। और साधु, जो उसी प्रकार के अध्यात्म में ढल जाते हैं और स्वयं भी उसी प्रकार की साधना करते रहते हैं, वो सब साधु कहलाते हैं।
तो इस तरीके से इन पांच नामों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मन में विकल्प नहीं आता और हम इस रमोकार को या इन पंच नामों को भी हम बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए अगर ये अरहंत सिद्ध समझ में नहीं आता तो PEACE इसके थ्रू समझने की कोशिश करें, और पी फॉर पावर, तो पावर कौन देगा, तो अरिहंत ही हमको पावर देंगे। तो हम अपने जब दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं तो अरिहंत भगवान जहाँ कहीं पर भी आकाश में विचरण कर रहे हों, आप ऐसी मन में भावना लाएं कि हम उनके चरणों को छू रहे हैं, उनके चरणों को हम टच कर रहे हैं, ठीक है ना। करें शुरू। ओम अरहम नमः, दोनों कोनियों को सीधा रखेंगे और हाथ ऊपर मिले हुए अपने मन में भाव करेंगे कि हम अरिहंत भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। वह महान आत्मा है, वह महान पुरुष जिन्होंने सब प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, अपने मनी मन ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा बनाए। इसी तरह से सिद्ध आत्माओं को याद करेंगे जिन्होंने अपनी आत्म सिद्धि कर ली और जिन्हें अब कुछ भी करना बाकी नहीं, ऐसे सिद्ध आत्माओं को अपनी हथेलियों पर हम स्मरण करेंगे। हथेलियों से प्राप्त हुई ऊर्जा सीधा हमारे हृदय तक पहुंचती है और हृदय में प्राप्त हुई ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यह एक शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। सिद्ध भगवान को आँख बंद करके अपनी हथेलियों पर स्मरण करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा बनाएंगे ज्ञान मुद्रा के साथ। अपने हाथों को अपने कंधों के पास ले जाकर कंधों को और पीछे की ओर खींचेंगे और चेस्ट को एज पॉसिबल एज बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा किसके लिए है? PEA C फॉर पावर। पहली मुद्रा से क्या मिलती है आपको? पावर। ई फॉर एनर्जी। दूसरी मुद्रा से क्या मिलती है? ए फॉर एक्टिविटी। तीसरी मुद्रा से क्या मिलती है? और चौथी मुद्रा सी फॉर क्रिएटिविटी। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज़ें आपको इससे मिलेंगी। तो चौथी मुद्रा के लिए हाथों को ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है ना, और जैसे कि हम दीवार को पुश कर रहे हों और अपनी कलाई में 90 डिग्री का एंगल देखना, पांचों उंगलियों तो मिली रखना, दोनों हाथों के अंगूठों के बीच में डिफरेंस रखना और कोशिश करना कि हम अपनी आई साइट को अपने दोनों थम्स पर कंसंट्रेट करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः,
ओम अरहम। इसी पोजीशन में अपने हाथ को थोड़ा सा पंजों को इस तरीके से हिलाएंगे जैसे कि हम ढोलक बजा रहे हों, है ना। हाँ, तेजी से हिलाएं, बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका पंजा कहीं निकल के नहीं जाएगा। हाँ, और आनंद भाव के साथ, हर्ष भाव के साथ, हाँ, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कान जितना आप ला सकते हो बना के रखें। ओम अरहम नमः, 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 ओम। इसके बाद तबला नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। थक गए? थकना नहीं है, गर्मी आ गई, धीरे धीरे आनी भी चाहिए, है ना। जितना आपके अंदर भीतर से गर्मी आएगी, ये बाहर मालूम है बहुत फ्री में मिलने वाली ये बहुत बड़ी बड़ी औषधि है यहाँ पर, और इस वातावरण की सारी औषधि को आपको ग्रहण करा दूं, इस भावना से यहाँ पर अरहम योग रखा गया है, है ना। क्योंकि जितना आप भीतर से एक्टिव होकर के इसको गेन करेंगे उतना ही ये एनर्जी आपके काम में आएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी औषधि फैली हुई है चारों ओर, न जाने कितने तरीके की जड़ी बूटियाँ होती हैं, कितने तरीके की वनस्पतियाँ होती हैं, और सबकी हवा के अंदर जब मिक्सिंग हो जाती है तो वह जब हम उसको लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मेडिसन का काम करती है, समझ आ रहा ना। तो यहाँ पर आपको नॉट ओनली मेडिटेशन बट यू ऑल्सो गेन मेडिसन, समझ आ रहा है, मेडिकेशन ये भी हो रहा है, ठीक बात। चलो पांचवी मुद्रा, ई फॉर एवोल्यूशन। चूंकि हम झुकना नहीं जानते, हमारे मस्तिष्क में अनेक तरीके के विचार हमें अकड़ के बनाए रखते हैं जिससे हमारा विकास नहीं हो पाता, तो हम इस तरीके से झुकना सीखें तो हमारे अंदर एवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। दोनों हाथों को जोड़कर और जमीन पर टच करके धीरे धीरे, ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर पहले दोनों हाथों को ले जाएं और फिर जो है धीरे धीरे नीचे लेकर के आए। हाँ, ओ मनी मन में बोलना ताकि आपकी श्वास ना फूले। जो जिनकी कमर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है वो ना भी कर पाए तो जितना संभव हो उतना करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ठीक, सीधे बैठे, पूर्ण शांत भाव के साथ बैठे, पूरे शरीर को बिना राग के, बिना द्वेष के, केवल शरीर की तरह ही देखें। न शरीर से मोह, न राग, न घृणा, सिर्फ शरीर शरीर है, मैं चैतन्य चैतन्य आत्मा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, किसी को देखना नहीं या महसूस करना कि दुनिया जब हमें देखती है तो वह केवल मेरे शरीर को देखती है, मैं जो चैतन्य आत्मा हूं उसे कोई नहीं देखता, इसलिए मैं दुनिया से कह रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूँ
जो नजर से परे ही रहा हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, अपने दोनों हाथों को घिसकर, हथेलियों को घिसकर अपनी आँखों पर रखें, पूरे शरीर पर टच करें कि मैं खोया नहीं, मैं यहीं हूँ। अपने पास जितनी भी ऊर्जा अपने काम में आए अपने पास रखें, बाकी सब ऊर्जा को विश्व कल्याण के लिए प्रवाहित करें। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, इस भावना के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अरहम परम शांति ही, ओम अरहम परम शांति ही, ओम अरहम परम शांति ही। और अगर हम ये प्रोसेस लगातार केवल 40 दिन तक अपना लें तो आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आएंगे, आप अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेंगे जो बदलाव आपको पिछले 40 सालों से नहीं आए होंगे। और जितना आपने सीखा है अगर उसको आप 10 मिनट भी अपनी प्रैक्टिस में सुबह करें या शाम को करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे लाभ होंगे। यह अपने अंदर एक भीतर से परिवर्तन लाने का, अपने आप को सुधारने का और अपने आप को मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा साधन है। योग ध्यान का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हम अपने मन को भी स्वस्थ बनाएं, अपने चित्त को विकारों से मुक्त करें। पंच नमस्कार मुद्रा न सिर्फ हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है बल्कि हमें भक्ति से, पंच परमेष्टि से जोड़ती है, हमें धर्म से जोड़ती है। जैसा कि अरहम श्री ने कहा कि पंच नमस्कार मुद्रा हमारे लिए शांति प्रदान करती है, इसकी हर एक मुद्रा हमारी पीस में अपना योगदान देती है। तो आज आप प्रयास करेंगे कि कल के सत्र से पहले आप और आपका अरहम साथी यानी परिवार का वह सदस्य जिसे आपने अरहम यात्री बनने की प्रेरणा दी थी, दोनों कम से कम एक बार पंच मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। तब तक के लिए सभी को जय चिनिन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है,
कभी पूरब सेवा चलती, कभी उत्तर सेवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?